दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बर्ड के बारे में जो शायद इतना सुंदर ना हो लेकिन उसका नेचर में रोल बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं मैराबू स्टॉर्क की, जो अफ्रीका के सेवनाज और वेटलैंड में पाया जाता है। मैराबू स्टॉर्क को देखकर शायद आप सोच रहे होंगे ये कैसा अजीब सा बर्ड है। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और विंग स्पैन लगभग 12 फीट तक हो सकता है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़े फ्लाइंग बर्ड में से एक बनाता है। इसका बेल्ट हेड और स्किनी नेक की वजह से लोग इसे अंडरटेकर बर्ड भी बोलते हैं। इसके लॉन्ग पॉइंटेड बीक और मैसिव लेग्स इसकी खासियत हैं। और हाँ, एक यूनिक फीचर है इसका पिंक पाउच जो गले के नीचे लटकता रहता है। ये पाउच कम्युनिकेशन और बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने के काम आता है। मैराबू स्टॉर्क एक स्किल्ड स्कैवेंजर है। ये ज़्यादातर डेड एनिमल्स का मीट खाता है, जो इसे वल्चर्स के पार्टनर बनाता है। जब कोई एनिमल मरा होता है तो वल्चर्स उसे सबसे पहले ढूंढते हैं और फिर मैराबू स्टॉर्क अपने पावरफुल बीक से हार्ड स्किन को टियर करता है। इस तरह ये नेचर को क्लीन और डिजीज़ फ्री रखते हैं। स्कैवेंजर होने के साथ साथ ये लाइव प्रे भी हंट कर सकता है, जैसे फिश, फ्रॉग्स और इवन स्मॉल बर्ड्स। इसका अटैक काफ़ी एक्यूरेट होता है और ये अपने शार्प बीक को यूज़ करके प्रे को एक ही बार में मार सकता है। मैराबू स्टॉर्क लार्ज कॉलोनीज में ब्रीड करते हैं और एक ट्री पर ये 2 से 3 एग्स ले करते हैं। ये अपनी नेस्टिंग के लिए मोस्टली टॉल ट्रीज़ को प्रेफर करते हैं और एक नेस्ट को 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं। सोशली ये बर्ड्स काफ़ी एक्टिव रहते हैं और दूसरे स्कैवेंजर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। हालांकि मैराबू स्टॉर्क को फिलहाल लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और पोचिंग इनके फ्यूचर में एंडेंजर लिस्ट में डालने में काम कर सकती है, इसलिए इनके नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था हमारा इंटरेस्टिंग बर्ड मैराबू स्टॉर्क। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्थी।